हेलो दोस्तों, आज हम कुछ छोटे छोटे अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास के स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक्टिव भी है और एनएससी में लिस्टेड भी है। और क्या चाहिए दोस्तों, जो स्टॉक एनएससी में लिस्टेड है और 10 रुपीज़ के आसपास मिला है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है। पेनी स्टॉक वो होता है दोस्तों जो अराउंड 10 रुपीज़ से नीचे हो, ठीक है। 10 रुपीज़ के आसपास वाले स्टॉक को इंडिया में पेनी स्टॉक बताया जाता है। तो आज हम ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे स्टॉक हो जो 10 रुपीज़ के आसपास है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा स्टॉक हम खरीद सकते हैं और कौन सा स्टॉक खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पैसे की सवाल है। अगर पैसा हम लगाते हैं तो डूबना नहीं चाहिए, चाहे हमें प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट इंटेंशन है, हमारा कैपिटल को जो है किसी तरह कंजर्वेटिव करके रखना, ठीक है दोस्तों, उसको सेफ रखना, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जेपी एसोसिएशन में पैसा लगाए हैं, जो एनएससी में लिस्टेड है, देख सकते हो, और वो स्टॉक दोस्तों बहुत ज्यादा लॉस दिया, ठीक है। इस पर कर्ज भी ठीक है, अब इसका मॉडल ठीक नहीं चल रहा, चाहे जो भी है ये कंपनी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सुजनॉल एनर्जी में भी देख लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव वो नहीं लगता, ठीक है। अगर मुझे ज्यादा ज्यादा कोई अट्रैक्टिव लगता है तो दोस्तों द साउथ इंडिया बैंक, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से क्या अच्छा रहना चाहिए खरीदने के लिए। तो दोस्तों द साउथ इंडिया बैंक इज द बेस्ट बैंक, मतलब अभी ये जो प्राइस पे अभी मिल रहा है दोस्तों बहुत ही अच्छा। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जो है द साउथ इंडिया बैंक को अराउंड 10 रुपीज के प्राइस पे ही अपने कस्टमर को बोला है बाय करने के लिए, और इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं दोस्तों। अब ये जो कि 10 रुपीज से 12 रुपीज का जो है प्राइस होने वाला है, तो इसका प्राइस तो जरूर बढ़ेगा, मैं बोल रहा हूं जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अगर आपने नहीं खरीदा है तो जम के खरीद लो, 10 रुपये का स्टॉक है। अब क्या सोचना है दोस्तों, 10 रुपए में भी अगर हम सोचना स्टार्ट कर देंगे तो शेयर मार्केट में 500 1000 रुपए वाले स्टॉक खरीदेंगे, तब हमारा हाल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान दे रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, द साउथ इंडिया बैंक को खरीदने से पहले दोस्तों मुझे जो मिला, मैंने 10 रुपीज़ में खरीदा था द साउथ इंडिया बैंक को, अभी ये 12 रुपीज़ होने वाला, अराउंड मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अराउंड मुझे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ओनली 12%। तो मैं आपको बोलूंगा, स्टॉक खरीदने से ही नहीं होता दोस्तों, स्टॉक को टाइम भी देना पड़ता है। क्यों मैं साउथ इंडिया बैंक को बोल रहा हूँ खरीदने के लिए, देखो इसमें डिविडेंड भी अच्छा है दोस्तों, अराउंड 2.26, अराउंड मान लीजिए 2.5% यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, ठीक है। पहली बात, डिविडेंड प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट को हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। और दूसरी बात, क्या प्लस पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हो 9.90, मतलब कि दोस्तों ये जो है अभी लोअर लेवल से उठना स्टार्ट किया, लोअर लेवल से उठना स्टार्ट किया। इसका हाइएस्ट देख लो 18 पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो 18 है, यहाँ पर मान लो 10 है अप्रॉक्सीमेटली सपोज, ठीक है दोस्तों। तो मान लो 10 रुपये का स्टॉक जो है 20 रुपये चलने वाला है, तो अभी 10 से स्टार्ट ही हुआ, तो ऐसे स्टॉक पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये हुआ पहला, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा बात कर लेते हैं आइडिया के बारे में। अब आइडिया में क्या ऐसा चीज़ है जो हमें खरीदना चाहिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए वजह भी बता रहा हूँ कि क्यों आपको खरीदना है और कैसे खरीदना है, ठीक है। आइडिया में क्या है कि देखो, गवर्नमेंट ने इसको जो है रिलीफ दिया है, बोला कि आप जो पैसा 10 दिन में नहीं दे सकते, मैं आपको 10 साल दे रहा हूँ, 10 सालों में आपको पैसा देना है, और ऊपर से उनको जो है इंटरेस्ट, उसको हिंदी में बोला जाता है ब्याज, वो भी उनको माफ़ कर दिया गया। तो मतलब ये दोस्तों कंपनी बंद नहीं होने देगी। अगर आइडिया बंद होता है तो एयरटेल और जियो को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में वो लोग मोनोपोली क्रिएट कर ले। तो मोनोपोली क्रिएट ना करे, इसलिए गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को सर्वाइवल के लिए जिंदा रखा। नहीं तो देखो, गवर्नमेंट कभी भी किसी को माफ़ नहीं करती है, वो अपना पैसा ले लेगी और दूसरों के बारे में नहीं सोचती कभी भी, किसी के कभी भी देख लीजिए किसी भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी ठोक देती है खट से, और ठोकने के बाद गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, भाई तुमको तो पैसा देना है, दो नहीं तो यहाँ से रफा दफा कर दो, निकलो, बस इतना ही। लेकिन वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतना सपोर्ट क्यों है दोस्तों? आप कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज भी आया था कि गवर्नमेंट जो है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि पता है हमारे इंडिया में 3 ही टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, जो उसमें से एक वोडाफोन आइडिया भी बहुत अच्छा हुआ करता था पहले, लेकिन अब इसने थोड़ा अजीब परफॉर्म किया है, डिविडेंड भी नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, डिविडेंड इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा जो है लोअर लेवल पर है, और इसका जो इसमें प्रॉफिट अभी नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों 10 साल के गवर्नमेंट ने टाइम दिया, तो मैं जरूर बोलूंगा आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया
और लास्ट जो स्टॉक है दोस्तों, जीम इंडिया। वाओ, आज के डेट में यहाँ पर 5% का अपर सर्किट भी है, ठीक है, आज के डेट में 5% का अपर सर्किट भी है। तो जीम इंडिया जैसे स्टॉक को मैं बोलूंगा दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब एक ही बार, मान लीजिए आपका जो कैपिटल, आपका एबिलिटी, आपका मतलब आपके पास 1 लाख रुपया ही है, आप उससे 1 रुपया भी ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैंने जो स्टॉक बोला सारा पैसा जो है आप वही स्टॉक में डाल दो, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों ये तीनों बहुत बहुत अच्छे हैं, ये तीनों में बहुत लोग जो है पैसा डुबा चुके हैं, तो मैं ये तीनों को प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखो दोस्तों द साउथ इंडिया बैंक, तो मैं बोलूंगा चलो यार ये तो सपोर्टेबल है, आप इसमें अगर 6 मंथ to 8 मंथ पैसा रखते हो तो आपको तो मैं बोलूंगा कि अच्छा जो है बैंक से बहुत बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा दोस्तों बैंक से। लेकिन मैं बोल रहा हूँ टाइम भी सुन लो दोस्तों, अराउंड मिनिमम 6 to 8 मंथ, 6 to 8 मंथ तक आपको होल्ड करके रखना है द साउथ इंडिया बैंक। और ठीक है आइडिया को, तो दोस्तों ये हमारी टेलीकॉम की सेक्टर की कंपनी है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें टाइम भी लगता है। तो ये जो मल्टी बैगर मैं आपको बताने वाला हूँ, मल्टी बैगर का मतलब क्या होता है, 10 सालों में 20 सालों में निकलते हैं। तो आप जितना पेशेंस रखोगे, अब ऐसा नहीं है कि दो दो महीने बाद फिर बोलोगे सर तो इसका तो प्राइस गिर चुका है निकल नहीं रहा है। अरे यार देखो 500 रुपये वाले स्टॉक 10-20 रुपये ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, 10 पॉइंट या 12 पॉइंट जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 60 रुपीज़ का स्टॉक है कितना गिरा है, 0.73, ठीक है। और ये देख लिए क्विज कॉर्पोरेशन 600 का स्टॉक है, 6600, तो इसमें कितना चढ़ा है, +38 पॉइंट ये चढ़ा, ठीक है, +38 पॉइंट ये अपर सर्किट मारा है। ये देख लीजिए -0.45, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं, ये नहीं चढ़ा और ये 38 चढ़ गया कैसे। तो ये 60 रुपये का स्टॉक है और ये 600 का स्टॉक है, सोचिए 10 गुना ज्यादा है। तब तो जो जितना ज्यादा छोटा रहता है उतना ज्यादा धीरे धीरे चलेगा, जो जितना ज्यादा बड़ा रहता है उतना ज्यादा फास्ट चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे परसेंट में तो थोड़ा बहुत एक ही रेंज में आ जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है अगर ऐसे स्टॉक को खरीदना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारा पैसा लगा दो, आप अपने कैपिटल का 10% लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि अगर ऑलरेडी मल्टी बैगर है तो आपको 10% में ही अच्छा से अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया तो मैं बोलूँगा 8-10 हज़ार रुपया लगा दो, जिससे आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लॉस भी होता है 1-2 हज़ार तो उससे भी आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मल्टी बैगर बन जाता है तो मैं बोलूँगा अच्छा है, ऐसे स्टॉक को खरीद के रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा और ऊपर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले दिनों में दोस्तों इससे भी बिलो 100 वाले स्टॉक बताने वाले हैं, जो इससे भी ज्यादा मल्टीबैगर और अच्छे हैं, ठीक है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। बोनस कम से कम तो डिविडेंड तो देना ही चाहिए दोस्तों, ऐसे हम डिविडेंड देने वाले और अच्छे से अच्छे कंपनी हम जो है ढूंढ के निकालने वाले। तो आप हमारे चैनल को छोड़ के ना जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।